या रिटर्न उसको डिवाइड 72 से कर दो, 72 को उससे डिवाइड कर दो, उतने साल में आप सेटल हो जाएंगे। तो अनिल जी काफी आसान चीज है, 2000 वाला स्टॉक खरीद के लाइटर नोट है। ये दबाव बनाने की जो कोशिश है इससे दूर हटकर चलते सीधे कमोडिटी बाजार की तरफ। नतीजे तैयार है बताने के लिए कहाँ होगी आज आपकी कमाई, बताइए नतीजे। शुक्रिया अनिल जी। और कमोडिटी मार्केट की जो शुरुआत हुई है, चूंकि ये दशहरे का हफ्ता है तो ये जो बाजार की शुरुआत हुई है तेजी के साथ हुई है, 90 रूपये ऊपर है एमसीएफ पर कच्चा तेल और 5331 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। गोल्ड में करीब 120 रूपये की मजबूती है और 32,000 के बेहद करीब एमसीएफ पर गोल्ड का भाव पहुंच चुका है। हाजिर बाजारों में ऑलरेडी गोल्ड का भाव 32,000 के स्तर पर पहुंच चुका है और अब वायदा बाजार में भी इसी लेवल को टच करने की तैयारी चल रही है। चांदी में 140 रूपये की मजबूती, 39,000 के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है और मेटल मार्केट में भी हरियाली है। तो कुल मिलाकर आज जो शुरुआत है मार्केट की वो हरियाली के साथ हुई है। देखना होगा कि बाजार की ये तेजी आगे कितनी टिकती है और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के। अनुज गुड मॉर्निंग। 125 रूपये ऊपर है अब तो खैर 32,000 की बात करना बेमानी होगी क्योंकि 32,000 तो टच कर ही जाएगा, लेकिन 32,000 के बाद का अगला लेवल आप क्या देख रहे हैं गोल्ड में? गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड के अंदर आप इंटरनेशनली भी देखें तो रैली आती हुई देख रहे हैं गोल्ड में। गुड मॉर्निंग। देखिए गोल्ड के अंदर आप इंटरनेशनली भी देखें तो रैली आती हुई दिखाई दी है, भाव करीबन $1,220 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और एमसीएफ में अब जो रेट है ऑलमोस्ट 32,000 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि इनिशियली जो वेरी शॉर्ट टर्म टारगेट होगा जो कि हम रिवाइज करना चाहेंगे करीबन 32,100 से लेकर 32,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है और इंटरनेशनली 1,228 से लेकर $1,230 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। 32,100 से 32,200 का लेवल कब तक दिख जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि ये इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है तो करंट रेट से मुझे लगता है कि बाइंग निषेध करना चाहिए। ओके, तो आप कह रहे हैं कि करंट रेट पर बाई कर सकते हैं, आपको 31,200 तक का 32,200 तक का लेवल गोल्ड में दिख सकता है। चांदी पर क्या व्यू है आपका अनुज, चांदी में क्या करना चाहिए? और देखिए चांदी के अंदर भी एज कम्पेयर गोल्ड ट्रेंड पॉजिटिव पकड़ा है तो हमें लगता है कि चांदी के अंदर भी बाई करके चलना चाहिए। इनिशियली टारगेट 39,300 का रहेगा, उसके ऊपर भाव चलते हैं तो 39,800 से लेकर 40,000 तक के रेंज सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्रूड की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में मजबूती है और फिलहाल करीब 1% तेजी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और एमसीएक्स पर इसका सीधा असर हम देख पा रहे हैं और इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल करीब 2.25% ऊपर है, जोरदार तेजी के साथ ट्रेड हो रहा है। क्या क्रूड की ये तेजी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? मित्र जी मुझे लगता है कि क्रूड में जो ट्रेंड पकड़ा है थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है तो मुझे लगता है कि क्रूड में भी क्योंकि इन्वेंट्रीज भी बढ़कर आई है यूएस की तो हो सकता है कि सलन राइज की स्ट्रेटेजी रहे तो करीबन 5350 में करंट रेट से 10 से 15 रूपये अगर भाव बढ़ते हैं तो बिकवाली करके चलें। अगेन हमें लगता है कि नीचे 5200 रूपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है। मेटल मार्केट में भी आज मजबूती है। मेटल में सबसे अच्छा काउंटर आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए कौन सा दिख रहा है? और देखिए मेटल्स में हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर जो टारगेट रहेंगे करीबन 464 से 465 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो कॉपर के अंदर बाय इनिशिएट करके चला जा सकता है। ओके, और एग्री मार्केट में आज अगर ट्रेड करना हो और लंबे समय तक का वेट ना करना हो तो कहां पर ट्रेड करना चाहिए? देखिए यहां पर दो स्किप रहेंगी, एक तो कॉटन सेक्टर रहेगा जहां पर हमें तेजी आती हुई देखिए। हमें लगता है कि कपास के अंदर बाय करके चल सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 1220 से लेकर 1250 तक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कोरिएंडर के अंदर हमने लास्ट वीक अच्छी तेजी आती हुई देखी थी, हमें लगता है कि कोरिएंडर धनिया के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ऊपर टारगेट करीबन 5400 तक हो सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कोरिएंडर में 5400 तक का लेवल यहां पर दिख सकता है और कॉटन में भी खरीदारी का मौका आप बता रहे हैं, तो ये दो काउंटर एग्री में जहां पर आपके लिए ट्रेड के मौके बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुज हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहां पर कमाई का मौका होने वाला है। लेकिन मौका आज गोल्ड में भी होने वाला है क्योंकि हाजिर बाजार के साथ साथ वायदा बाजार में 32 के स्तर पर मार्केट पहुंचने वाला है, तो 32,000 का सोना खरीदना या बेचना ये बड़ा सवाल है। क्या इस लेवल पर गोल्ड खरीदना चाहिए या जिन लोगों के पास गोल्ड है उन्हें बेच देना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। 11:26 पर हमारे साथ बाजार के तीन दिग्गज होंगे, हमारे साथ किशोर नारने होंगे मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, वीरेन वकील होंगे पैराडाइम कमोडिटी के और एनिशा चेनानी होंगी मोनार कैपिटल की। तो जरूर देखिए 11:30 32 का सोना खरीदना या बेचना। शुक्रिया मृत्युंजय आपका। तो ये है 11:30 का खास शो, लेकिन बाजार अभी भी दिन के निचले स्तरों पर ही कर रहा है कारोबार। खरीदारी आईटी स्टॉक्स में दिख